बेगम साहब ये आपकी कॉफी। थैंक यू सकीना भी, इस वक्त बहुत जरूरत थी मुझे कॉफी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ बेटा बहुत सही टाइम पर आए आप, आपके लिए कॉफी बनवाऊं? नहीं बुआ, मुझे अभी कॉफी नहीं पीनी। भाई इतना सब क्या शॉपिंग की है इतनी सारी? यार परी के लिए कुछ चीजें पसंद आई थी तो मैंने खरीद ली। अच्छा क्या क्या लाए, दिखाएं तो सही। हाँ देख लो, सबसे पहले तुम ये देखो। ओ वाओ, इट्स अमेजिंग भाई, ये आपने चूज किया है? ऑब्वियसली, मैं अकेला गया था तो मैंने ही पसंद करनी थी। तुमने तो मुझे एंड टाइम पे डिच करा के अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। भाई अगर मुझे पता होता ना कि आपकी चॉइस इतनी अच्छी है तो मैं सारे काम छोड़ के आपके साथ जाती और आपकी चॉइस से अपने लिए भी शॉपिंग करती। अच्छा ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अभी तुमने एक सेट देखा और तुम्हारे ये ख्याल आते, सारी शॉपिंग देख लोगी तो पता नहीं क्या बोलोगी। वेरी फनी, फिर भी मैं सब देखूंगी। हाँ जी अबे देख ली अपनी भाई की पसंद, बहुत अच्छी चीजें हैं। और मामा आपको कैसी लगी चीजें? वैसे साथ क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की उस इल मैनर्ड और जाहिल लड़की के लिए? उन्हें कहाँ कदर है इतनी स्टाइलिश और एक्सपेंसिव चीजों की, उन लोगों ने कहाँ देखा है सब कुछ? अरे वो लोग तो रेडी पे से खरीद कर और फटे पुराने कपड़े पहनते, और तुम? For God's sake, मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप कभी तो किसी की फीलिंग्स का ख्याल कर लिया करें। अगर आपने अपना दिल बड़ा करके परी को कबूल कर ही लिया है तो ऐसे उसे सबके सामने डिग्रेड मत करें आप। तुम चुप कर जाओ मिली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस एंगल से बात कर रही हो। और सुनो, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैं इंटरफेयर करूंगी, ये मेरे भाई और भाभी की रिस्पेक्ट की बात है, मैं इसमें जरूर बोलूंगी, मैं उन्हें डिग्रेड नहीं होने दे सकती। बस इनफ इज इनफ। मामा प्लीज। आपको जो बोलना है जो सोचना है वो आप सोचें, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी अपनी सांसें। और मैं जानता हूं कि आप पहले दिन से परी को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने आपको उसके लिए शॉपिंग की जहमत नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप उसके लिए उसी के लेवल की चीजें पसंद करेंगी। और मिली तुम प्लीज मेरे और परी की वजह से अपने और मामा का रिलेशन खराब मत करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से इस घर में और कोई भी लड़ाई हो।